और दोस्तों कैसे हैं आप। हम वापस आए हैं इस हफ्ते के नए हिंदी हाउ टू वीडियो के साथ। तो हाल ही में ट्रू कॉलर की आपने सुना होगा, सब लोग बहुत ज़्यादा बैंड बजा रहे हैं, बट इशू क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रखी है ट्रू कॉलर के साथ। तो हाल ही में हुआ ये था कि ट्रू कॉलर का जो डेटाबेस था वो हैक हो गया था, जिस वजह से उनका जो मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटाबेस था वो लीक हो गया था। और ऑल्दो उसके बाद ट्रू कॉलर ने वो गलती ठीक करी है, पर उसके बाद रिसेंटली भी क्या हुआ कि ट्रू कॉलर ऑटोमेटिकली अपने यूजर्स का UPI ID खुद से क्रिएट करने लग गया था। मतलब यूजर्स के पास कोई प्रॉम्प्ट तक नहीं आया, ऑटोमेटिकली उनका UPI ID क्रिएट होने लग गया। तो भाई अगर आप लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हो और आपको अपनी प्राइवेसी की और सिक्योरिटी की कंसर्न है, तो ऑब्वियसली आप लोग ट्रू कॉलर हटाना चाहोगे ना। तो ऐसे में सवाल आता है कि ट्रू कॉलर से अपना अकाउंट हटाएं कैसे। तो भाई टेंशन क्या लेनी, मैं हूं ना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अपना मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर से आराम से और सुरक्षित वे में हटा सकते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती थी गाइस, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो आप लोगों के प्यार की वजह से हम ऑलरेडी 20,000 सब्सक्राइबर्स पे बैठे हैं, और अगर इसी तरह आप प्यार देते रहे तो 1 मिलियन भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तो भाई ट्रू कॉलर का ऐप तो सबके पास होगा ही, तो काम बहुत आसान है। ट्रू कॉलर का ऐप खोलो और ये साइड में जो मेन्यू है ना उस पर चले जाओ। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे टैप करना, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा प्राइवेसी सेंटर का, उस पर टैप कर दो। अब देखो इसमें जो नया स्क्रीन खुलेगा उसमें लास्ट में बिल्कुल आखिरी में ऑप्शन होगा डीएक्टिवेट का, इस पर टैप करो, कन्फर्मेशन पे येस कर दो और ट्रू कॉलर का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अरे रुको भाई, अभी इतना भी सिंपल नहीं है। तो अभी बेसिकली हुआ ये कि आपने अकाउंट अपना ट्रू कॉलर का डीएक्टिवेट करा, बट आपका नंबर जो है ना अभी भी ट्रू कॉलर के सर्वर्स पे है। तो सर्वर से अपना अकाउंट कैसे हटाना है अब चलिए वो भी देखते हैं। तो ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा लिंक होगा, ट्रू कॉलर अनलिस्टिंग वाला लिंक, उस लिंक को खोलना। सबसे पहले उस लिंक को खोलने पे ना एक ऐसा सा पेज खुलेगा, यहाँ करना कुछ नहीं है, बस अपनी कंट्री का कोड डालो जो हम इंडियंस के लिए +91 है, पर अपना फोन नंबर, वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है आपसे एक कैप्चा कोड भी मांग ले तो वो भी डाल देना। उसके बाद बस जो लास्ट में ये अनलिस्ट फोन नंबर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा, पर उसके बाद ट्रू कॉलर के डेटाबेस से आपका नंबर हट जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, कैसे अपना नंबर ट्रू कॉलर के डेटाबेस से आराम से सिक्योरली हटा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और नीचे कमेंट में ये भी बताना कि और किस तरह के हाउ टू वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण, और चलिए खत्म करते हैं।